हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक सप्ताह ई पाठशाला के अंतर्गत बच्चों के लिए कार्य योजना आती है और उसी प्रकार से इस सप्ताह भी कार्य योजना आ गई है। ये 12वां सप्ताह है जब इन यहाँ पर बच्चों के लिए कार्य योजना भेजी गई है और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कार्य योजना हम लोग एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो करके वहाँ से आप PDF में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शॉर्टली मैं आपको 1 से लेकर 8 तक सभी क्लासों का एक ही वीडियो में दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में आप इन्हें हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 के लिए 12वें सप्ताह के लिए विशेष योजना इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या विशेष है इस विशेष योजना में। और ये 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो सप्ताह चलने वाला है उसमें ये कार्य योजना हमें लागू करने हैं हम शिक्षकों को। सबसे पहले सोमवार की मज़ेदार गतिविधियां, जिसमें चिड़िया रानी की कविता है, टा ठा डा ढा ढा से शुरू होने वाली वस्तु को खोज निकालना। और आपके पास यदि घर पर एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये यूट्यूब के जो नीली कलर से लिंक्स दिए गए हैं इस PDF पर जाकर, यदि आपके पास PDF है, यहाँ वीडियो से नहीं, PDF पर जा करके आप क्लिक करें और सीधे YouTube के माध्यम से इन वीडियो को अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे भी लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ आप भी लाभान्वित होंगे। तो इनको बहुत ही आसानी से आप दिखा सकते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी दिखाया भी है। चलो एक लिंक पर, किसी भी लिंक पर हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये वीडियो सीधे यूट्यूब पर खुलता है। तो हम ये सभी PDF पहली लिंक पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया सीधे हम लोग YouTube चैनल पर पहुंच गए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ई पाठशाला का कार्य है, और ये देखो सभी वीडियो एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को आप दिखा सकते हैं। तो फिर से हम बैक चलते हैं। तो अब देखते हैं नीचे अन्य डेज में बुधवार को भी ये गतिविधियाँ इसी प्रकार से आप सभी वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो खोल करके ओपन करके दिखाया, उसी प्रकार से आप ये जितने भी नीले यानी ब्लू कलर के जो लिंक्स हैं यूट्यूब के, उन पर क्लिक करके आप बच्चों को दिखाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से आप शुक्रवार को गणित की जो गतिविधियाँ हैं उनको आप समझा सकते हैं बच्चों को, इस आधार पर दिखा सकते हैं वीडियो। यदि आपके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अभिभावक हैं, और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप अपने विद्यालय जाएं, अपने टीचर से परामर्श लें, वो आपको उसकी सामग्री बताएं। अब देखते हैं कक्षा 4 की सामग्री। तो ये कक्षा 4 की PDF है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सोमवार को हिंदी गणित में नन्ही राजकुमारी चंद्रमा गणित में भिन्न, बुधवार को अंग्रेजी में ओपन ए बुक पोएम है और EBS में जीव जंतुओं की उपयोगिता, शुक्रवार को हिंदी में नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा गणित में भिन्न। और उसी प्रकार से ये आपको यहाँ पर लिंक दिए गए हैं दीक्षा के, हिंदी और गणित के, तो आप जा सकते हैं सीधे। ये लिंक आपको दिए गए अंग्रेजी और EBS के, पर्यावरण के, उससे संबंधित हिंदी और गणित की दीक्षा लिंक है, इनको भी आप क्लिक करके सीधे वीडियो को दिखा सकते हैं बच्चों को और लाभान्वित करा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट यानी कि कक्षा 5 पर। तो ये कक्षा 5 की पुनरावृत्ति योजना है 12वें सप्ताह के लिए। तो पुनरावृत्ति योजना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पिछले सप्ताह में सामग्री थी, उसी को दोहराना है। सोमवार को हिंदी में चिड़िया का दाना, गणित में एक एक नियम, बुधवार को अंग्रेजी में ग्रामर, यूज ऑफ नाउन, EBS में जंगल और जनजीवन, शुक्रवार को हिंदी में चिड़िया का दाना और गणित में एक एक नियम। तो इस प्रकार से ये दीक्षा लिंक हैं, उनको आप एक माध्यम से, इन लिंकों के माध्यम से वीडियो दिखा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कक्षा। तो ये कक्षा 6 के लिए पुनरावृत्ति योजना, इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि जो 11वें सप्ताह में थी योजना वही योजना इस सप्ताह भी रखी गई है। सोमवार को हिंदी गणित अंग्रेजी, हार की जीत वाणिज्य गणित रेनबो फेरीज, उसके बाद बुधवार को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इसमें ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन, भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और बुधवार को गणित विज्ञान अंग्रेजी में वाणिज्य गणित भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता रेनबो फेरीज, इन्हें आप, इनके वीडियो भी लिंक हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कक्षा की योजना, उसके लिए क्या दी गई है। तो ये कक्षा 7 के लिए वही पुनरावृत्ति योजना है। इसमें भी हिंदी, सोमवार को हिंदी गणित अंग्रेजी में वंदना, वाणिज्य गणित
और फ्लोरेंस नाइटिंगल जो 11वें सप्ताह की कार्य योजना थी वही ये कार्य योजना है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इसको आप डाउनलोड जरूर कर लें और अपने ग्रुप में, अपने पास, अपने व्हाट्सएप पर जरूर रख लें, और अपने जो विद्यालय का आपने ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में जरूर इस सामग्री को भेज दें। सोमवार को, उसके बाद बुधवार को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में धरातल के रूप में बदलने वाली कारक, जीवों में उत्सर्जन, शुक्रवार को गणित विज्ञान अंग्रेजी में वाणिज्य गणित, जीवों में उत्सर्जन और फॉरेंस नाइटिंगेल। तो इस प्रकार से उसके लिंक दिए गए, सभी के जो भी चैप्टर है पुरानी लिंक ही हैं, दीक्षा ऐप के माध्यम से इन बच्चों को दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कक्षा 8 की सामग्री। तो ये है कक्षा 8 की सामग्री, इसमें भी पुनरावृत्ति करना है पिछले सप्ताह का जो कोर्स है, बस इसमें यही लिखा हुआ है और कोई सामग्री इसमें नहीं दी गई है। तो जो कक्षा 8 में आपने देखी होगी सामग्री 11वें सप्ताह की, उसी सामग्री को पुनरावृत्ति करना है, उसी सामग्री को बच्चों के साथ दोहराना है, उसी सामग्री को आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। और यदि आपके पास ये सामग्री नहीं पहुंची है तो आप हमारे YouTube टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आपने जा करके डाउनलोड कर लें और अपने पास सुरक्षित कर लें। ये अपने जो छात्रों का ग्रुप आपने विद्यालय स्तर पर बनाया हुआ है उसमें ज़रूर प्रेषित कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।